नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। ये है हाईटेक हिंदी का नया यूट्यूब चैनल। आज चर्चा होगी हिंदी के एक विरल विशिष्ट और महाप्राण कहे जाने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला के सबसे बड़े समीक्षक और आलोचक के रूप में विख्यात और उनके सबसे करीबी रहे रामविलास शर्मा ने उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। यह कब अपिराजे निराला, जिसको मिला गरल का प्याला, ढहा और तन टूट चुका है पर जिसका माथा न झुका है, शिथिल त्वचा ढलढल है छाती लेकिन अभी संभाले थाती, और उठाए विजय पताका, यह कवि है अपनी जनता का। निराला का कवि अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहा है, कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ। कोई कलाकार जब रूढ़ जर्जर परंपराओं को छोड़कर नवीन शैली का विधान करता है तो साधारणतः पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती, उल्टे नए निर्माता के प्रति अपरूप उद्गार प्रकट करती है। विवर व्याघ्र आलोचकों ने उन पर आक्रमण किए, प्रज्ञा चक्षु संपादकों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी। जिस मुक्त छंद, उद्दाम आवेग और दार्शनिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उन्हें समझने में देर हुई। उनके अंतर विरोधों, संघर्षों और अनगढ़ व्यक्तित्व ने विवादास्पदता की आग में घी का काम किया, पर इतिहास को इस सृष्टा कवि की देर से ही सही पहचान करनी पड़ी। ऐसा लिखते हैं हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास नामक अपनी साहित्य इतिहास की पुस्तक में बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का भी गहन अध्ययन महाप्राण निराला पर रहा है। UGC नेट, JRF या हिंदी की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए निराला अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में उन पर जितने भी तथ्य और जितनी भी चर्चाएं की जाएंगी वे सभी परीक्षा के निमित्त से ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अलग से इनमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो अनिवार्य नहीं है। महाप्राण निराला जीवन और कृतित्व की अगर बात की जाए तो महाप्राण निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 रविवार के दिन बसंत पंचमी को उनका जन्म हुआ था। बसंत पंचमी को ही वे सदैव ही अपना जन्मदिन मनाते थे, तारीख कोई भी हो। मृत्यु उनकी 14 अक्टूबर 1961 को हुई। जन्मस्थान महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल, जहां उनके पिता रहा करते थे, वहां पर हुई थी। हालांकि उनका मूल जन्म स्थान या मूल निवास स्थान की बात अगर की जाए तो वह उत्तर प्रदेश में था, बैंसवाड़े में, उन्नाव जिले में। मृत्यु स्थान दारागंज, इलाहाबाद। उपनाम सूरज कुमार निराला गरगज सिंह, साहित्य शार्दूल। 1921 में कलकत्ता से इलाहाबाद आगमन होता है। निराला की माता का नाम रुक्मिणी देवी और पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। विवाह इनका मनोहरा देवी से हुआ और रामकृष्ण तथा सरोज नाम के पुत्र पुत्री इन्हें मिले। प्रथम कविता की अगर बात की जाए तो जूही की कली, जो 1916 में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुक्त छंद का प्रवर्तन यहीं से होता है। प्रथम कविता संग्रह अनामिका 1923 इसका प्रथम संस्करण आता है, यानी इसका द्वितीय संस्करण है जिसकी चर्चा बाद में की जाएगी। प्रथम गद्य रचना बंग का उच्चारण 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती और निराला का संबंध क्या है इस पर भी चर्चा की जाएगी। अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ 1961 में आती है, और अंतिम कविता संग्रह शांध का कली है, इसी में पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ कविता संग्रहित है। काव्य संग्रह की अगर बात की जाए, अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1929, कुकुरबुत्ता 1942, अणिमा 1943, 1946 में बेला, 1946 में ही नए पत्ते, 1950 में अर्चना, 1953 आराधना, 1954 गीत गुंज और 1969 में सांध का कली आती है। उपन्यास भी निराला जी ने खूब लिखे। उन्होंने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936, 1938-39 में पुल्ली भाट, 1942 में बिल्लेसुर बकरिया, 1946 में चूटी की पकड़। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि निराला जी ने जितना भी गद्य लिखा है वह सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। उसमें कल्पना का पुट उन्होंने उतना नहीं रखा है जितना यथार्थ का पुट रखा है, व्यंग का पुट रखा है। इसीलिए कई बार गद्य के लिहाज से उनकी कुछ रचनाएं कमजोर सी पड़ती दिखाई पड़ती हैं।
कहानी संग्रह की अगर बात की जाए तो लिली 1934 में, सखी 1935 में, सुगुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945। निबंध और आलोचना भी निराला जी ने खूब लिखे। रविंद्र कविता कामन कानन नाम की उन्होंने आलोचना रविंद्र पर लिखी, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित होती है। प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी में, प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1942, चैन 1957 और निबंध संग्रह है नाम से ही है संग्रह 1963 में आता है। बालोप योगी साहित्य की अगर बात की जाए तो 1926 में भक्त ध्रुव, 1926 में भक्त प्रहलाद, 1926 में ही भीष्म, 1927 में महाप्राण महाराणा प्रताप, 1969 में सीख भरी कहानियाँ, पुराण कथा, महाभारत, रामायण की अंतर कथाएं। हम देखते हैं कि निराला जी ने साहित्य की किसी भी विधा और किसी भी क्षेत्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा और सबके लिए उपयोगी लिखा। अनुवाद की अगर बात की जाए, आनंद मठ बंगाल से उनका विशेष संबंध रहा है। बंगला से उन्होंने ढेर सारा अनुवाद किया। आनंद मठ, विस्पृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदनी, राज सिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगलांगुल्य, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भारत में विवेकानंद तथा राजयोग का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। अनामिका प्रथम का प्रकाशन 1923 में होता है। यह निराला का पहला कविता संग्रह, इसमें कुल 40 पृष्ठ और 9 कविताएं संग्रहित हैं। इसके प्रकाशक नवजादिक लाल जी थे। कविता शीर्षक की अगर बात की जाए जो अनामिका प्रथम में संकलित हैं, आध्यात्म फल माया जलत, अधिवास तुम और मैं, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं निराला की। सच्चा प्यार और लज्जित अनामिका की भूमिका में महादेव प्रसाद सेठ ने लिखा। त्रिपाठी जी ने पंचवटी प्रसंग, अधिवास और जूही की कली नामक कविताओं को लिखकर हिंदी के पद्य साहित्य में एक अभूतपूर्व शैली का समावेश किया। यहाँ आप देखेंगे कि जूही में छोटा ओ की मात्रा लगा हुआ है। यह इसलिए लगाया है, यह गलत नहीं है, बल्कि निराला जी ने अपने जो पुस्तक है उस पर इसी तरीके से इस नाम को लिखा है। कई बार यह इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि निराला के लिहाज से जूही सही है या जहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर जो जूही लिखी जाती है वो सही है। पंचवटी प्रसंग कुछ विद्वान इसे हिंदी की पहली कविता मानते हैं, जो कि पहली लंबी कविता मानते हैं जो कि अनामिका प्रथम में संकलित है। जूही की कली में कुल 5 बंध हैं। 1936 ईस्वी में माधुरी में लिखे अपने निबंध मेरे गीत और कला की व्याख्या करने के लिए निराला ने जिस गीत का चयन किया था उसका शीर्षक था जूही की कली। समन्वय पत्र बाग बाजार कलकत्ता से उद्बोधन कार्यालय से निकलता था। इसके संपादक स्वामी माधवानंद थे और सहायक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे न केवल समन्वय के संपादन में सहयोग देते थे, वरन आचार्य द्विवेदी की तरह हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने, सुदृढ़ करने और संस्कारित करने के लिए विविध प्रकार के लेख भी लिखते थे। बसंत का अग्रदूत निराला को कहा जाता है, और यह कहा किसने है, अग्गे जी ने कहा है। काव्य संग्रह की दृष्टि से अनामिका उनका सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा के अतिरिक्त मुक्त प्रेम संबंधी प्रसिद्ध कविता सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और प्रगतिशील कविता का मॉडल तोड़ती पत्थर भी सम्मिलित है। व्यंग कविता का आरंभ यहीं से होता है, बच्चन सिंह ऐसा कहते हैं। यहाँ 2-3-4 चीज़ें खास हैं, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और तोड़ती पत्थर, ये सभी कविताएं परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। महादेव प्रसाद सेठ तथा शिव पूजन सहाय ने सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम देकर मतवाला के संपादक मंडल में शामिल कर लिया। निराला की उत्तरवर्ती काव्य यात्रा की सर्वाधिक चर्चित कृति कुकुरमुत्ता है। इस कविता में मूलतः सामंती वर्ग और सर्वहारा वर्ग का द्वंद्व शुद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है। निराला की कविताओं में आने वाले कठिन शब्दों और वाक्यों के अर्थों को बताने के लिए निराला काव्य कोश की रचना कमलेश वर्मा जी ने की है। चतुरी चमार कहानी संग्रह में ही एक निबंध स्वामी शारदानंद जी महाराज और मैं है शीर्षक से संकलित है। कविता जलद में, जो कि अनामिका में संग्रहित है, निराला जी ने इसमें अंग्रेजी शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।
पंचवटी प्रसंग कविता पढ़ने के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, चीज नई है और रचना ललित और भावपूर्ण जान पड़ती है, किंतु आगे आशंका व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि 90% इस छंद को पढ़ ना सकेंगे। पंत ने पल्लो की भूमिका में, पंत और निराला, एक बात यहाँ बताना जरूरी है कि पंत और निराला में खूब जमकर दोस्ती और खूब जमकर लड़ाई झगड़े होते थे, फिर भी कभी उनमें कोई व्यक्तिगत ऐसा मनमुटाव या वैमनस्य जैसा भाव नहीं था। दोनों एक दूसरे को लिखते थे, पढ़ते थे, सराहते थे। पंचवटी प्रसंग में प्रयोग किए गए वार्णिक मुक्त छंद की जमकर आलोचना पंत ने की, जबकि अधिवास में मात्रिक मुक्त छंद की उन्होंने प्रशंसा की। सच्चा प्यार और लज्जित को छोड़कर से 7 कविताएं वापस अनामिका द्वितीय में ग्रहण की गई। परिमल गंगा पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ से 1929 में प्रकाशित हुई। पूछा जाता है गंगा पुस्तकमाला, जहाँ से बहुत सारी किताबें, पुरानी छायावाद के दौर की बहुत सारी किताबें छपी हैं, वो कहाँ पे था उसका कार्यालय? तो लखनऊ में था। बादल राग की 6 कविताओं में विषम मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है, यह भी पूछा जाता है, बोल्ड कर दिया है मैंने इसे बताने के लिए आप लोगों को। मुक्त छंद और परिमल लेख धनंजय वर्मा ने लिखा है। धनंजय वर्मा ने भी निराला पर विशेष काम किया है। लीडर प्रेस इलाहाबाद से गीतिका का प्रकाशन 1936 में हुआ, जिसमें 101 गीतों का संकलन है। पुस्तक निराला जी ने अपनी पत्नी मनोहरा देवी को समर्पित किया। गीतिका की भूमिका में निराला ने लिखा है कि मैं खड़ी बोली में जिस उच्चारण संगीत के भीतर से जीवन की प्रतिष्ठा का रूप देखता आया हूँ, वह ब्रजभाषा में नहीं है। गीतिका के प्रमुख गीत हैं वर्दे वीणा, वादिनी वर्दे, भारती जय विजय करे, सख बसंत आया, स्पर्श से लाज लगी, कौन तम के पार कहरे, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि। जयशंकर प्रसाद की विशेष टिप्पणी जो उन्होंने गीतिका पर की, गीतिका हिंदी के लिए सुंदर उपहार है, उसके चित्रों की रेखाएं पुष्ट, वर्णों का विकास भास्वर है, उसका दार्शनिक पक्ष गंभीर और व्यंजना मूर्तिमती है। आलंबन के प्रतीक उन्हीं के लिए अस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहीं समझा है कि रहस्यमयी अनुभूति युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आधार चुनती है। नंदुलारे वाजपेयी ने 8 पृष्ठों की विस्तृत समीक्षा गीतिका पर लिखी। उन्होंने कहा, विविधता और प्रयोग की दृष्टि से निराला इस समय के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। शुक्ल जी का कथन है, कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है और अर्थ समन्वय की ओर कवि है। शुक्ल जी लिखते हैं कि जहाँ कवि ने अधिक और कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया है, वहाँ पदयोजना उस अर्थ को दूसरों तक पहुँचाने में प्रायः असक्त या उदासीन पाई जाती है। कथनों का प्रयोग वीडियो में इसलिए किया गया है क्योंकि UGC नेट JRF की परीक्षा में जो तर्क और स्थापना के प्रश्न बनते हैं, उनमें ऐसे ही कथनों को दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया है। गीतिका के बाद तृतीय अनामिका भी लीडर प्रेस इलाहाबाद से छपी। या संग्रह मतवाला के संपादक महादेव प्रसाद सेठ को समर्पित है। सरोज स्मृत निराला की आत्मकथात्मक कविता है। पुत्री सरोज की असमय मृत्यु पर निराला ने 3 माह बाद 9 अक्टूबर 1935 को कविता सरोज स्मृत लिखी। यह कविता सुधा के जनवरी 1936 के अंक में प्रकाशित हुई। सरोज स्मृति को एलिजी या शोक गीत मानना एक सीमा तक सही हो सकता है, ऐसा नंदकिशोर नवल निराला कृति से साक्षात्कार नामक अपनी पुस्तक में लिखते हैं। 23 अक्टूबर 1936 को राम की शक्ति पूजा रची गई, जो कि दैनिक भारत में 26 अक्टूबर 1936 को प्रकाशित भी हुई। राम की शक्ति पूजा का उपजीव्य बांग्ला का कृतिवास रामायण है। कवि राम नरेश त्रिपाठी ने निराला की कविता राम की शक्ति पूजा को कविता नहीं सांप छाड़ने वाला मंत्र बताया। निराला जी के संबंध में शुक्ल जी का कथन है कि निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जुड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। इसकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं ढीली पड़ जाती है। राम की शक्ति पूजा के प्रथम अनुच्छेद में 18 पंक्तियों को एक साथ रखकर शुक्ल जी ने निराला जी ने सर्वथा नया और चमत्कृत करने वाला एक प्रयोग किया। और उन्होंने कहा भी कि एक तो खड़ी बोली दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग, इसके कारण गवैयों की जुबान को सख्त परेशानी होगी, यह बात उन्होंने खुद महसूस की थी। गीतिका में
इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक और अर्थ समन्वय की ओर कम है, शुक्ल जी लिखते हैं। शुक्ल जी पुनः लिखते हैं कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितने प्रसाद और पंत में है। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश निराला ने सबसे ज़्यादा की है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जुड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। बच्चन सिंह लिखते हैं, निराला का कवि अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहा है, कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ है। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर थे, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। इसी से सम्राट अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लिखकर उन्होंने इन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसने प्रेम के निमित्त साहसपूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका था। हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में होता है, में शुक्ल जी ने ऐसा लिखा है, निराला जी 1922 ईस्वी में समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित होते हैं, 23 में मतवाला से जुड़ते हैं, 27 से 30 तक उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। मुक्त छंद समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा, ऐसा बच्चन सिंह हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में लिखते हैं। मुक्त छंद के संबंध में निराला जी ने कहा है कि इससे स्वाधीन चेतना फैलती है। निराला जी की क्रांतिकारी कविताओं की अगर बात की जाए तो महाराजा शिवाजी का पत्र, आवाहन, जागो फिर एक बार और बादल राग में उन्होंने क्रांतिकारी कविताएं लिखी हैं। यमुना के प्रति तो स्मृतियों का विस्तृत एल्बम है, इसमें प्रणय व्यापार भी है और रास नृत्य भी है, ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं। गीतिका का प्रथम गीत कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, वरदे वीणा वादिनी वरदे है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी कविताएं अनामिका संग्रह में संकलित हैं। सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म सरों के कठिन सेज पर 1961 में लिखी निराला की अंतिम कविता है, जिसका शीर्षक है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला की कविता कुकुरमुत्ता के संबंध में बच्चन सिंह का कथन है कि मूलतः यह कविता मार्क्सवादी ही है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है तो गुलाब शोषक वर्ग का प्रतीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि कुकुरमुत्ता कविता उनकी कैसी है, अक्सर मार्क्सवादी यदि लिखा हो तो उत्तर मार्क्सवादी सही होगा, अन्यथा प्रगतिवादी। निराला की प्रमुख कविताएं कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोरा, मास्को डायलाग, स्फटिक शिला, बादल राग, संध्या सुंदरी, यमुना के प्रति, वरदे वीणा वादिनी वरदे, स्नेह निर्झर बह गया, चोट खाकर राह चलते, मुसीबत में कटे हैं दिन, हार गया दुखता रहा है जीवन भर, विप्लव बनबेला महंगू महंगा रहा। निराला जी ने साहित्य के संबंध में कुछ बातें लिखी हैं जो उनकी अपनी मान्यताएं थीं। साहित्य को, समाज को, जीवन को, संस्कार को, संस्कृति को निराला जी ने कैसे देखा है, उसको उन्होंने अपने आलोचनात्मक ग्रंथों, निबंधों, कविताओं, लेखों और गद्य विधा की अन्य रचनाओं में व्यक्त करने का प्रयास किया है। साहित्य दायरे से छुटकर ही साहित्य है। साहित्य वह है जो साथ है, वह जो संसार की सबसे बड़ी चीज है। साहित्य लोक से, सीमा से, प्रांत से, देश से, विश्व से ऊंचा उठा हुआ है। साहित्य वह लोकोत्तरानंद दे सकता है। लोकोत्तर का अर्थ है लोक जो कुछ देख पड़ता है उससे और दूर तक पहुंचा हुआ। ऐसा साहित्य मनुष्य मात्र का साहित्य है। भावों से केवल भाषा का एक देशगत आवरण उस पर रहता है। निराला जी कहते हैं, यह आज हमारे समाज सामने एक दूसरा ही प्रश्न साहित्य के भीतर से हल होने के लिए आया है, वह है प्रसार। इतना कि समस्त विश्व के मनुष्य हमारी मनुष्यता के दायरे में आ जाएं, हर तरह कर्म, वाणी और मन से भी, यही क्रिया हमें संसार के मनुष्यों की आंख में उठा सकती है। यही क्रिया हमारे काव्य में हो चली है। निराला, जैसे फूल की पूरी कली के लिए जड़, तना, डाल, पल्लव, रंग, रेणु, गंध सभी कुछ अपेक्षित है, वैसे ही काव्य कला के लिए शब्द, रस, ध्वनि, अलंकार, छंद आदि सभी कुछ आवश्यक है। निराला जी ऐसा मानते हैं। कविता को निराला ने कल्पना के कानन की रानी कहा है। विधवा को, विधवा उनकी जो कविता है उसको उन्होंने ईष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा है। स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से अनुवाद किया है। आज के वर्तमान समय के सबसे बड़े आलोचक नामोर सिंह जी ने निराला को छंदों का गुरु कहा है।
जो गहन भाव, सीधी भाषा, सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। निराला जी कहते हैं, अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में कभी उन्होंने किसी को व्यंग के लहजे में कहा, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। बंग भाषा का उच्चारण लेख निराला ने 1920 अक्टूबर में लिखा था, जो सरस्वती में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम से प्रकाशित हुआ। यह उनका प्रथम गद्य लेख था जो सरस्वती में छपा था। सरस्वती में उन्होंने तमाम सारे लेख, अपनी तमाम सारी कविताएं भेजी थी, लेकिन कुछ समय तक महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनबन के चलते, कुछ समय तक काव्य में निराला के नए प्रयोग के चलते उन्हें जगह नहीं मिल पा रही थी सरस्वती में। लेकिन अंततः जब उन्होंने बंग भाषा का उच्चारण जैसा लेख लिखा तो उसे सरस्वती में स्थान दिया गया। अनामिका का प्रकाशन 1923 में हुआ, जिसमें कुल 9 कविताएं प्रकाशित हुईं। इसकी भूमिका महादेव प्रसाद सेठ ने लिखी। जूही की कली, जिसे मुक्त छंद की पहली कविता के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसमें ही निराला ने प्रथम बार निराला उपनाम का प्रयोग किया। मतवाला में निराला ने सरस्वती, माधुरी, प्रभा, शारदा सबकी आलोचना की है, क्योंकि वह एक दौर था जब ये सारी पत्रिकाएं कहीं ना कहीं निराला पर अपने अपने तरीके से प्रहार कर रही थीं। ऐसे में जब निराला ने स्वयं मतवाला निकाला और उसका सारा दायित्व, सारा कार्यभार, सारी चीज़ें उनके पास थी, सारा स्वामित्व उनके पास था, तो उन्होंने अपने तरीके से इन पत्रिकाओं की आलोचना की। कविवर श्री सुमित्रानंदन पंत नामक लेख, जो पंत की प्रशंसा में लिखा गया, 3 मई 1924 को मतवाला में छपा। भारतवर्ष एक देश नहीं है, अनेक देशों का समुदाय है, या वे ही कह सकते हैं जिन्हें यहाँ के इतिहास का कुछ पता नहीं है और जिन्हें यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की नींव का ज्ञान नहीं है। निराला जी ने तीक्ष्ण व्यंग करते हुए अंग्रेजों के संदर्भ में यह बात कही थी। निराला जी ने अथक श्रम करके समन्वय सुधा और मतवाला को एक स्तर प्रदान किया। संपादक के रूप में जब भी बात चलती है तो निराला को और उनके संपादकीय कार्य के लिए उनको स्मरण किया जाता है। एकमात्र पत्र जो मित्रों के आग्रह पर उन्होंने संपादित किया था वह रंगीला, जिसमें निराला जी वन मैन आर्मी की तरह कार्य करते हुए लेखक, संपादक और प्रूफ रीडर का सभी काम स्वयं करते थे। माधुरी, जागरण, हंस, भारत, सरोज, चांद, सरस्वती, रूपाब आदि उस दौर की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में निराला के लेख छपे थे। निराला ने उस दौर के वरिष्ठ कथाकार प्रेमचंद पर लिखा, हिंदी के गर्व और गौरव प्रेमचंद जी। प्रसाद के निधन पर लिखी निराला की कविता, जो उन्होंने प्रसाद परिषद के अधिवेशन में सभापति के पद से सुनाया, रहा सदा मैं नतमस्तक सेवा को अग्रज, चले गए तुम धरा छोड़ गौरव विजय ध्वज। निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी, ये छायावाद के चतुष्टय थे। निराला और पंत में यारी और बेजारी चलती रहती थी। निराला जी की प्रशंसा में पंत ने लेख लिखा। लेख कुछ यूं था, अनामिका के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रति, यह 1939 में रूपाब में छपा। पंक्तियां कुछ यूं थीं, जीवन के करदम से अमलिन मानस सरसिज, शोभित तेरा व्रत शारदा का आसन निज, अमृत पुत्र कवि यशा काय टीबी, चरा मरण जित स्वयं भारती से तेरी हर तंत्री झंकृत। महादेवी वर्मा के प्रयास से निराला जी को अपरा पर 2100 रुपये का प्रादेशिक पुरस्कार मिला। अपरा महादेवी जी के विशेष प्रयास से उन्हीं के संपादकत्व में उस समय निकला था जब निराला जी आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे और उन्हें कहीं से किसी का कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। निराला और महादेवी का संबंध भाई और बहन के रूप में साहित्य जगत में सर्वविदित है। निराला का देहावसान 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को दारागंज इलाहाबाद में हुआ। निराला का संपूर्ण रचनाकार 1916 से 1961 तक फैला हुआ। इसे याद करना बहुत आसान है। 16 में जूही की कली आती है और 16 को उल्टा कर दीजिए तो 1961 हो जाता है। परिमल और गीतिका में निराला जी ने प्रार्थना और वंदना से संबंधित गीत लिखे हैं, जबकि अधिवास, पंचोटी प्रसंग, तुम और मैं शीर्षक गीत दार्शनिकता का पुट लिए हुए हैं। निराला की मृत्यु के बाद धर्मवीर भारती ने निराला पर एक स्मरण लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने निराला की तुलना पृथ्वी पर गंगा उतार कर लाने वाले भगीरथ से की थी। धर्मवीर भारती ने लिखा है कि भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा लेकर आए थे, निराला अपनी उत्तर पीढ़ी के लिए निराला को याद करते हुए भगीरथ की याद आए, या ग्रीक मिथकीय देवता प्रमेथियस प्रमिथ्यु की, तो यह आश्चर्य की बात नहीं। निराला ने हिंदी के विष को पिया और उसके बदले अमृत का वरदान दिया। 1923 ईस्वी में
जब कलकत्ता से मतवाला का प्रकाशन हुआ उस समय रामविलास शर्मा के अनुसार निराला ने उसके कवर पेज पर दो पंक्तियाँ लिखी, अमीय गरल शशि सीकर रवि कर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। रामविलास शर्मा जी आगे लिखते हैं कि निराला ने सोचा था मतवाला ऐसा पत्र होगा जिसमें जीवन मृत्यु अमृत और विष राग और विराग संसार के सनातन द्वंद पर रचनाएं प्रकाशित होंगी, किंतु न मतवाला इन पंक्तियों को सार्थक करता था न हिंदी का कोई और पत्र। इन पंक्तियों के योग्य थी केवल निराला की कविता जिसमें एक ओर राग रंजित धरती है रंग गई पग पग धन्य धरा, तो दूसरी ओर विराग का अंधकारमय आकाश है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। इसलिए वह निराला की कविताओं में एक तरफ आनंद का अमृत तो दूसरी तरफ वेदना का विष देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय में जब अंग्रेजी के विद्यार्थी हुआ करते थे उस दौर में उनकी मुलाकात निराला से हुई थी और रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि अगर साहित्य में निराला पर इस तरीके से प्रहार ना किए गए होते तो शायद वे आलोचना के क्षेत्र में ना उतरते। काव्य की श्रेष्ठता उसके ट्रेजिक होने में है, पैथेटिक होने में नहीं। जहाँ संघर्ष है, परिवेश का विरोध सशक्त है, उसे टक्कर लेने वाले व्यक्ति का मनोबल दृढ़ है, वहाँ उदात्त स्तर पर मानव करुणा व्यक्त होती है, वही ट्रेजिडी है, शेष सब पैथेटिक है। निराला की साहित्य साधना खंड 2 पेज 241 पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। निराला ने चतुरी चमार लिखा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस विषय पर लिखा कि गुरुमुखी ब्राह्मणों ने निराला के घड़े का पानी पीना छोड़ दिया। इसका कारण यह भी था कि निराला सूत्रों से मांस मंगवाते थे, घर में पकाते थे, खुद खाते थे, उन्हें भी खिलाते थे। निराला की साहित्य साधना खंड दो निराला की साहित्य साधना इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है और निराला के व्यक्तित्व पर इतना बेहतर प्रकाश पड़ता है कि पाठक उसे सरस गति से पढ़ता ही चला जाता है। पढ़ने लायक पुस्तक है। निराला के एक समीक्षक दिवंगत दूधनाथ सिंह के मुताबिक ईश्वर की तर्कातीत आस्था से तर्काश्रित अनास्था तक के निराला के इस भावबोध में मृत्यु भय की स्वीकृति के कारण वह आधुनिक चिंता के कवि ठहरते हैं। प्रश्न आ सकता है कि किसने कहा आधुनिक चिंता के कवि ठहरते हैं? दूधनाथ सिंह ने कहा, क्योंकि दूधनाथ सिंह का अभी हाल में ही निधन हुआ है। निराला ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा था। दुरालीलाल भार्गव को उन्होंने साहित्य देवता कहा था। कुली भाट में निराला ने लिखा कि मैं यौवन वैभव और विलास का कवि हूँ, फिर भी क्रांतिकारी। जो समाज पुराना है, हारा हुआ है, वह कितनी भी प्राचीन विभूतियों से युक्त हो, वह नवीन युग के लिए मृत है, उसी से पहले हमें लड़ना होगा। निराला के कुछ ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी विचार थे। निराला पर उनकी मृत्यु के बाद लेख लिखना, उन पर पुस्तकें लिखना, उन पर रिसर्च करना, उन पर अन्य विविध प्रकार के साहित्यिक सांस्कृतिक कर्म करके कई लोगों ने अपने को धन्य महसूस किया। निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निराला की साहित्य साधना विश्वंभर नाथ उपाध्याय और इसी नाम से जो बहुत चर्चित हुई, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा, क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह, निराला आत्महंता की आस्था दूधनाथ सिंह, कवि निराला नंदकिशोर वाजपेयी, निराला साहित्य में प्रतिरोध विवेक निराला, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, निराला रचनावली का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन से हुआ है जिसे नंदकिशोर नवल ने संपादित किया है, निराला डॉक्टर रामविलास शर्मा, निराला काव्य की छवियाँ नंदकिशोर नवल, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन धनंजय वर्मा और निराला कृति से साक्षात्कार नंदकिशोर नवल। अंत में निराला की एक विशिष्ट कविता जिसका जिक्र हर जगह होता है उसी के साथ इस वीडियो का समापन। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, साथ ही यदि कोई तथ्य छूट गए हों तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फरदे पीड़ा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नव के नव बिहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे।